रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी। ये पाव भाजी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसको खाना पसंद करते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आज बनाना बताऊँगी। इस विधि से आप अपने घर में बनाएं। चलिए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 से 3 चम्मच बटर लिया है और 2 चम्मच मैंने ये तेल लिया है। तेल इसलिए डालते हैं ताकि बटर जले नहीं। ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज बारीक काट के लिया है और अब इस प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया है और इसको भी थोड़ा भूनेंगे। अब 3 टमाटर डाले हैं, ये टमाटर मीडियम साइज़ के थे और इसको चलाते हुए भूनेंगे। अब ये भी मैश हो जाएं। जब इसमें आप बेसिक मसाले जाएंगे, जो भी नमक मिर्च डालना है, ये टेस्ट के अनुसार नमक डालें और ये देगी मिर्च डालिए 1 चम्मच ताकि कलर अच्छा आ जाए, और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। ये देखो, ये 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसको थोड़ा भूनेंगे, 3 से 4 मिनट भूनना है ये। और फिर सब्जियां जाएंगी इसमें, ये 2 छोटे साइज की गाजर ली थी मैंने, और थोड़ी सी ये गोभी 1/2 कटोरी, इसको भी मैंने काट लिया मोटा मोटा, और एक बीट रूट। बीट रूट हम कलर के लिए डालते हैं। और ये 1/2 कटोरी मटर। सब्जियां आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। ये 3 आलू डाले हैं मीडियम साइज के काट करके, और 1 शिमला मिर्च बारीक काट करके। 1/2 कप पानी डाल करके अब इसको मिक्स करेंगे, चलाते हुए अच्छे से मिक्स करके। और इसमें 3 विसल दिलवानी है ताकि ये जो भी सब्जियां हैं हमारी अच्छे से पक जाएं, गल जाएं, ताकि हम इनको अच्छे से मैश कर सकें। देखो, आप कुकर को बंद करके 3 विसल लगवाएंगे। 3 विसल आ चुकी हैं और हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। देखो, चेक कर लेते हैं कितना अच्छा कलर आया है। बीटरूट की वजह से कलर आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे। और अब एक मैशर की मदद से इसको हम मैश करेंगे। हैंडी मत चलाएं इसमें, ना मिक्सी में पीसना है, किसी भी उससे मैश कर सकते हैं। सोटा है या कुछ भी है घर में जिससे आप साग को मैश करते हैं, उससे आप मैश कर सकते हैं। हैंडी से मत करें, क्योंकि हैंडी से बिल्कुल ये बारीक हो जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। जब मैंने लेमन जूस डाला है, मेरा कैमरा बंद हो गया था, आप इसी स्टेज पर लेमन जूस डालें और इसको कम से कम 10 मिनट पकाना है, चलाते हुए लो फ्लेम पर। और ये थोड़ा सा बटर डाल, ऐसे ही चलाते रहें और इसको पकाते रहें। बीच बीच में ढक देते हैं सिम आंच पे करके, और इसको अच्छे से पकने देंगे। जितना पकेगा ये पाव भाजी, उतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। कम से कम 10 मिनट तो पकाना ही है, 15 मिनट पका लेंगे तो और अच्छा है। ये ढक के भी बीच बीच में पकाते रहें और इसको चलाते भी रहें। और ये हरा धनिया डाल दिया है मैंने, कम से कम 15 मिनट इसको पकाया है। देखो ऐसे, और मिक्स करते हुए चलाते हुए इसको पकाएं। जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। पाव भाजी हमारी बन करके तैयार हो गई है, और अब पाव सेकेंगे। इसके साथ पाव बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बटर डाला है और ये 1 चम्मच मैंने पाव भाजी बनी हुई वो डाला है, और 1/2 चम्मच में पाव भाजी मसाला, और कुछ धनिया, हरा धनिया, और इसको तवे पे फैला करके, और इस बटर से ही हम पाव को सेकेंगे। देखो ऐसे, बीच में से काट के पाव को, और ऐसे सेकते रहेंगे दोनों साइड से पलटते हुए, और बहुत अच्छा सिक करके तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है। देखो पाव हमारे सिक चुके हैं, और अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
देखो ऐसे अलटते पलटते हुए सेकते जाएं ऐसे। देखो पाव हमारे बन गए हैं, सिक चुके हैं। अब इन पाव को निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखो ऐसे ऐसे, और ये एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब पाव भाजी भी डाल दी है इसमें। सर्व करने के लिए हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। आप भी इस विधि से बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ दास्तान ने रसोई में शेयर करें। देखो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।